तो गैस ये जो स्टोरी है वो राजलक्ष्मी की नहीं है, वो राजलक्ष्मी की जो फ्रेंड है उसका नाम नेहा है। तो ये नेहा की मॉम की स्टोरी है। तो गैस ये बात आज से बहुत पुरानी है, ये 2000 की बात है, जब नेहा का जन्म तक नहीं हुआ था। और जो नेहा की मॉम है उनका नाम है श्वेता। तो गैस ये जो स्टोरी है वो पूरी नेहा की मम्मी की है, मतलब श्वेता की है। तो अब जो स्टोरी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं वो नेहा की मम्मी नहीं बोलेंगे, श्वेता बोलेंगे, तो प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत होना। और ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, तो हाँ पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूँ। उनका नेचर ना काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप था, मतलब जल्दी से लोगों के साथ घुल मिल जाना, जल्दी से दोस्ती कर लेना और हमेशा खुश रहना, ये कुछ नेचर था उनका। और वो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, तो वहाँ पे भी उनसे कोई भी कभी भी हेल्प मांगता था तो हमेशा, मतलब कभी मना नहीं करती थी, हमेशा ही हेल्प करने के लिए रेडी रहती थी। तो जिस स्कूल में नेहा की मॉम पढ़ाती थी वहीं पे एक आया भी होती थी। आया आया मतलब उनको कहते हैं जो छोटे बच्चों की रेख देख करती है, उन पे नज़र रखती है, उनके साथ रहती है। मतलब स्कूल में भी ऐसे बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी रेख देख करने वाली को आया बोलते थे। तो वहाँ पे एक आया भी होती है, और वो जो नेहा की मॉम होती है श्वेता, उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। मतलब साथ ही उठना, साथ ही बैठना, साथ ही खाना, ये सब हमेशा ये साथ ही रहते थे। और एक और बात थी, इस टाइम पर जो नेहा की मॉम थी श्वेता वो प्रेग्नेंट थी, और साथ में जो आया थी वो भी प्रेग्नेंट थी। तो ये दोनों दोस्त उस टाइम प्रेग्नेंट थी, तो मतलब तब भी ये साथ ही रहती थी, एक दूसरे का काफ़ी ख्याल रखती थी। कभी आया ने खाना नहीं खाया या दवाई नहीं खाई तो श्वेता हमेशा मतलब उनकी केयर करेगी कि दवाई खाई आपने, नहीं खाई, अच्छा ठीक है ये लो खाओ। और सेम ही आया भी ऐसे ही करती थी श्वेता के लिए। आया और श्वेता बहुत अच्छे दोस्त थे, मतलब आया अपनी हर चीज़ श्वेता से शेयर किया करती थी। जैसे कि आया जो थी, उनके जो हस्बैंड थे, मतलब हर दिन शराब पी के आते थे, हर दिन। और शराब पी कर आने के बाद वो हमेशा आया से लड़ते थे, उन्हें पीटते थे और बहुत, मतलब बहुत सुनाते थे उनको। और जो आया की फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो उनके पति थे वो तो बिल्कुल कमाते नहीं थे। तो जो भी फाइनेंशियल जो भी ये सब था वो आया पे ही था, मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आया पे थी। और ये सब श्वेता को पता होता है, तो श्वेता ने भी बहुत बार मतलब पैसों के मामले में आया की बहुत हेल्प करी होती है। जैसे कि अभी आया प्रेग्नेंट है, तो ऐसा बहुत बार हुआ था कि कभी डॉक्टर को पैसे देने हैं, कभी मेडिसिन के पैसे देने हैं, तो वो श्वेता ही दे दिया करती थी बहुत बार। और ऐसे ही इनकी दोस्ती आगे चलती जा रही थी। तो अब एक दिन आता है जिसमें जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड के लिए हमेशा उपवास रखती है और उनकी लंबी उम्र के लिए पूजा करती है। ये एक करवा चौथ जैसा ही होता है, बट करवा चौथ नहीं होता, ये उड़ीसा में बनाया जाता है, जिसे कहा जाता है सावित्री ओसा। तो अब श्वेता और आया ऐसे ही बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि सावित्री ओसा आने वाला है 2 दिन बाद, तो हम फास्ट करेंगे, ये सब करेंगे। कि तभी आया थोड़ी सी मतलब सैड सी हो जाती है, तो श्वेता पूछती है कि क्या हुआ एकदम से तुम ऐसे क्यों हो गई। तो आया बताती है कि इस बार मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मैं चूड़ियाँ खरीद सकती हूँ, ना लाल सिंदूर, ना ही लाल साड़ी, मैं मतलब पैसे नहीं है मेरे पास। तो श्वेता बोलती है कि अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, मैंने भी अभी कुछ भी नहीं खरीदा अपने लिए, तो जब मैं अपने लिए खरीदने जाऊँगी मैं आपके लिए भी ले आऊँगी, और चिंता मत करो, इन सब चीज़ की चिंता नहीं करते आप, अच्छे से अपना सावित्री ओसा बनाना। तो ये सुनकर आया भी थोड़ी खुश हो जाती है कि थैंक यू, आप मेरी इतनी मदद करते हो। तो श्वेता बोलती है कोई बात नहीं, आप प्लीज़ ऐसा जिक्र ना करें। और ये बोल के फिर इनका डन हो जाता है। और ऐसा ही होता है, श्वेता दुकान जाती है, वो अपने लिए जब खरीदती है तो अपने साथ साथ हर चीज़ दो ले लेती है, एक अपने लिए और एक आया के लिए। अब अगले दिन श्वेता स्कूल में आती है, साथ में वो पूरा सामान भी लेकर आती है जो कि आया को देना होता है। पर श्वेता देखती है कि आया स्कूल में आई नहीं है, उस दिन वो लीव पर है। तो श्वेता बोलती है कोई बात नहीं, वो मैं संभाल कर रख लेती हूँ, कल दे दूँगी। पर अगला दिन आता है, श्वेता आती है, और श्वेता को पता चलता है कि आया आज भी नहीं आई है। श्वेता को बड़ा अजीब सा लगता है, एकदम से 2 दिन ना आना और सावित्री ओसा का पूरा सामान यहाँ पड़ा है, तो एकदम से क्या हो गया। ठीक है, 3-4 दिन तक ऐसा होता है कि आया नहीं आ रही, किसी को कुछ खबर नहीं है, कुछ पता नहीं है। और श्वेता को भी अब चिंता हो रही है कि भाई क्या हो गया उसको, कि एकदम से इन्हें खबर मिलती है कि जो आया होती है उनकी डेथ हो चुकी है। वेल, जब ये खबर सब तक पहुंचती है वो श्वेता के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है। श्वेता को समझ नहीं आ रहा होता कि एकदम से ऐसा कैसे हो गया, जो 4 दिन पहले मेरे साथ बैठ के हंस रही थी, बैठ के अपनी दुख शेयर कर रही थी, बैठ के हम सब बातें कर रहे थे, एकदम से वो अब मर चुकी है, एकदम से वो अब मेरे साथ नहीं है। श्वेता ये रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। फिर कुछ दिन बाद आया की डेथ क्यों हुई थी ये बात भी हर जगह मतलब स्प्रेड हो चुकी थी। तो जो स्टोरी थी आया की वो कुछ ऐसी थी कि आया नॉर्मल अपने घर गई थी, वो उसने खाना खाया था और खाना खाने के बाद उसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि खाने में पॉइजन मिला हुआ था, जो कि मिलाया था उसके खुद के पति ने। वेल, जैसा कि आप सबको पता है आया की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल सही नहीं थी, और उसका जो पति था
उसको लग रहा था कि वो अभी एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, आया प्रेग्नेंट थी, तो उस पति ने बस पॉइजन मिला दिया उस खाने में, और उसको ऐसा लगा था कि इस पॉइजन को खाने से आया को कुछ नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा मिलाया, बट जो पेट में बच्चा था वो मर जाएगा। बट इवेंचुअली पॉइजन खाने के बाद दोनों की ही डेथ हो चुकी थी। और जब ये चीज़ें श्वेता को पता चली थी तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा डरावना और बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट टाइम था, अपनी दोस्त की डेथ, और वो भी इस रीज़न से और इस तरीके से। श्वेता कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। श्वेता ने कुछ दिन की छुट्टियाँ भी ली थी और उसने बोला था कि मैं बस अपने घर में थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है मेरे लिए, तो मैं मतलब नहीं आ पाऊँगी अभी स्कूल। तो उसने थोड़े दिन की छुट्टी ली और अपने घर में अपने पूरे फैमिली के साथ ही रह रही थी। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सबकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। फिर से श्वेता स्कूल जाना चालू कर दिया था, उसने पढ़ाना चालू कर दिया था कि अब श्वेता की डिलीवरी हो जाती है। एक प्यारी सी लड़की होती है जिसका नाम वो नेहा रखते हैं। नेहा सेकंड डॉटर थी, उससे पहले भी एक उनकी बड़ी डॉटर थी। तो अब पूरी फैमिली अच्छे से रह रही है और इस बात को भी दो तीन महीने हो चुके हैं कि अब क्या होता है ना, एक रात को श्वेता अपना मतलब रूम में सोई हुई है और जो उसकी बड़ी डॉटर होती थी, बड़ी बेटी, वो दूसरे रूम में सोती थी, वो अपने नाना नानी इन सब के साथ सोती थी। तो ये सब एक जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। तो क्या होता है, रात के करीबन 12 बज रहे होंगे कि वो जो बड़ी बेटी होती है वो ऐसे घूमते फिरते अपनी मम्मी के पास आ जाती है। उसको मन करता है कि आज मैं मम्मी के साथ सोऊंगी, नाना नानी सो चुके होते हैं तो, और उसको नींद नहीं आ रही थी, तो वो बोलते हैं अरे यार नाना नानी तो सो गया, मैं जाके मम्मी के साथ सो जाती हूँ। वो अपने रूम से निकलती है और जैसे ही श्वेता के रूम में एंटर करती है वो बहुत ज़ोर से चिल्ला देती है। जैसे वो चिल्लाती है सारे घर वाले आ जाते हैं वहाँ पर, श्वेता उठ जाती है, नाना नानी सब आ जाते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे क्या कर रही है। तो वो जो बड़ी बेटी होती है वो बताती है कि मैंने यहाँ पर ना एक काली कलर की शेडो देखी जो कि मम्मी के साइड में खड़ी थी, और वो देख के मैं बहुत मतलब वो डर गई है, तो बता भी नहीं पा रही अच्छे से और बस चिल्ला रही है। तभी सब उसे शांत करते हैं और बोलते हैं तूने कुछ नहीं देखा होगा, वो कपड़ा होगा या फिर बाहर से इतनी सारी शेडोज़ आती है सीधा वहाँ पे हिट कर रही है, तो वो ऐसे तुमने किसी और चीज़ की परछाई देख ली होगी। तो कोई भी उसे सीरियस नहीं लेता, सब उसे चुप कराते हैं और फिर ले जाते हैं और सुला देते हैं। अब नेक्स्ट डे आता है, नेक्स्ट डे की फिर जब रात आती है तो फिर कुछ अजीब होता है, जैसे कि किचन में बर्तन अपने आप गिर जाते हैं, और ये चीज़ श्वेता भी देखती है, वो नोटिस करती है। वेल, जो बाकी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ऐसे कोई बिल्ली बिल्ली होगी उसने गिरा दिया होगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं करते, जाके बर्तन उठाते हैं और सोने चले जाते हैं। श्वेता थोड़ा नोटिस करने लग जाती है, अच्छा ये बर्तन खुद गिरे, चलो कोई बात नहीं, श्वेता सो जाती है। नेक्स्ट डे वो बस ऐसे मतलब स्टेयर से नीचे उतर रही होती है कि एकदम से उसका पैर फिसलता है और वो स्टेयर से नीचे गिर जाती है। वेल, ज़्यादा चोट तो नहीं आती क्योंकि पकड़ लिया होता है श्वेता ने साइड में जो ग्रिल होती है, लेकिन सब आ जाते हैं और सब पूछते हैं भाई क्या हो गया, एकदम से कैसे गिर गई ये वो। तो श्वेता बताती है कि पता नहीं मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से बहुत जोर से धक्का दिया है। जब ये सब सुनते हैं तो सब बोलते हैं धक्का धक्का कौन देगा यहाँ पर, वो भी ऐसे मतलब कोई था ही नहीं। श्वेता बोलती है यार ये मेरा हेलुसिनेशन तो नहीं हो सकता, इतनी सारी चीज़ें मैं इमेजिन नहीं कर सकती, कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या होता है कि जब ये फिसली होती है उसी रात को, जब ये सो रही होती है नॉर्मली, तो इन्हें एकदम से ऐसा फील होता है जैसे किसी ने तो उनका हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के ना चूड़ियाँ पहनी हुई है, वो ऐसे खींचने की कोशिश कर रही है। जैसे ही श्वेता कैसे आँख खुलती है वो देखती है कि उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का फिगर ऐसे बैठा हुआ है। वेल, श्वेता ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो कुछ बोल नहीं पा रही, वो हिल भी नहीं पा रही, बहुत बहुत मतलब जान लगा रही है हिलने की बट कुछ नहीं हो पा रहा। और धीरे धीरे वो जो ब्लैक कलर का फिगर होता है वो श्वेता को क्लियर दिखने लग जाता है, और जब क्लियर दिखता है तो वो और कोई नहीं, वो आया होती है जिसकी मौत पॉइजन खाने से हुई थी। वेल, श्वेता जैसे उसे देखती है वो और डर जाती है, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है क्योंकि जो आया थी ना वो बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस दिख रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा था, थोड़ा सा जला हुआ लग रहा था, लाल आंखें हो चुकी थी अंदर की, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था, और जो बाल थे पूरे सफ़ेद से हो गए थे, और आया बहुत बूढ़ी सी भी लग रही थी, मतलब बहुत अजीब सी लग रही थी, बताना भी मुश्किल है। तो श्वेता जैसे वो देखते हो बहुत चिल्लाने की कोशिश करती है, बहुत आंखें बंद करती है, और काफ़ी देर तक मतलब ऐसे कोशिश करने के बाद उसे ऐसा फील होता है कि अब शायद उसको छोड़ दिया गया है, उसके जो बाजू पकड़ी हुई थी वो छोड़ दिया, वो थोड़ा फील कर रही है फ्री। तो जैसे ही वो फ्री होती है वो एकदम से आंखें खुलती है, वो पूरे मतलब हिलने की कोशिश करती है, लाइट वाइट ऑन करती है और सबको बुला देती है, सब वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे पहुँचते हैं श्वेता सबको ये सब बता देती है, वो एक जॉइंट फैमिली है जहाँ पे सारे रिलेटिव्स रह रहे होते हैं, जहाँ पे नाना नानी चाचा चाची सब रह रहे होते हैं। तो
सब आते हैं, और जब ये सब बताते हैं तो सब बोलते हैं अच्छा ठीक है हम कल ही पंडित जी के पास जाएंगे। सुबह होती है, सुबह होते ही जो सबसे पहला काम ये सब करते हैं वो करते हैं पंडित जी के पास जाना। तो वहाँ पास में एक पंडित जी होते हैं जो कि मतलब पंडित जी तो वैसे पूरी तरीके से नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं है कि वो मंदिर में ही बैठे रहते हैं ये सब, बट उन्हें इस चीज़ के बारे में नॉलेज होता है। तो वो जाते हैं, वो बोलते हैं उन्हें कि ऐसा ऐसा पूरा हुआ था और मुझे ऐसा ऐसा वो दिखाई दी, और वो बोलते हैं पंडित जी को आप करें कुछ क्योंकि बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही है घर में आजकल। तो पंडित जी बताते हैं ठीक है मैं आपके घर आता हूँ आज और फिर देखता हूँ कि आखिर क्या गड़बड़ है, और ये बोलकर फिश होता है और उसकी फैमिली पूरी घर वापस आ जाती है। पंडित जी जैसे ही घर पर आते हैं वो घर का एक पूरा मतलब फेरा लगाते हैं, पूरा अच्छे से देखने के बाद वो बताते हैं कि यहाँ पर कोई आत्मा नहीं है, आत्मा घर पर नहीं है, लेकिन वो एक आत्मा है जो यहाँ आना जाना करती रहती है घर में। और पंडित जी घर के बाहर जाके थोड़ा आसपास का देखते हैं तो वहाँ देखते हैं एक नींबू का पेड़ होता है पास में, और पंडित जी उसके पास जाकर बोलते हैं कि वो आत्मा इस पेड़ में है और उसका कुछ तो अधूरा काम है, कुछ तो उसे इस घर में जो उसका है मतलब उसे चाहिए वो, और उसी की तलाश में वो घर में आया जाया करती है। ये सुनकर सारे घर वाले हैरान होते हैं कि इस घर में हम तो किसी ऐसे को जानते भी नहीं और उसका क्या होगा इस घर में, हमें नहीं पता है कौन है ये सब। बट श्वेता सब कुछ समझ जाती है, श्वेता पंडित जी को बताती है कि मेरी एक दोस्त थी आया और ये उन्हीं की आत्मा है क्योंकि कल मैंने चेहरा देखा था, और आया की चूड़ियाँ सिंदूर और साड़ी मेरे पास है जो कि मैंने उनके लिए खरीदी थी। वेल पंडित जी जैसे ही सुनते हैं वो बोलते हैं कि तो फिर वही चीज़ें हैं जो वो लेने आई है। तो अब श्वेता बोलती तो अब क्या करा जाए, पंडित जी बोलते हैं कि अब मैं एक हवन करूँगा और हवन करने के बाद तुम्हें क्या करना है कि वो जो सारी चीज़ें हैं जो वो आया की हैं वो जाकर उस पेड़ के पास रख के आ जाना है, लेकिन ये हमें रात को करना है। तो श्वेता बोलती ठीक है मैं ऐसे ही करूँगी। वेल अगला दिन आता है, पंडित जी पूरा हवन करते हैं और हवन करने के बाद सेम ऐसे ही होता है, श्वेता जाती है, श्वेता उस पेड़ के पास जाकर वो पूरी थाली रख देती है, उसमें सब चीज़ें होती है जो भी उसने आया के लिए खरीदी होती है। जैसे वो रखती है श्वेता वापस आ रही होती है कि जैसे वो वापस आ रही है ना उसे एक फिगर दिखता है उस पेड़ के पास, और वो आया होती है और इस बार वो बड़ी नॉर्मल सी दिख रही है, ऐसे डरावनी सी नहीं दिख रही। श्वेता को लगता है कि चलो अब आया मुक्ति मिल जाएगी आया को और वो आराम से अब जा सकती है, और श्वेता फिर आराम से अपने घर के अंदर एंटर कर जाती है। जैसे वो एंटर करती है पंडित जी बोलते हैं कि अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी, और ये बोलकर पंडित जी भी अब चले जाते हैं। और ऐसे ही 6-7 दिन निकल जाते हैं, सबको लगता है सब कुछ नॉर्मल हो गया और सब वापस अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, लेकिन शायद उन सबको ये पता नहीं था कि अभी तक तो जो हुआ है वो सिर्फ एक शुरुआत थी। बिल्कुल 7 दिन बाद उस घर में जितने भी लोग थे सब अपना अपना काम कर रहे थे, कोई अपने रूम में था, कोई किचन में था, कोई कहीं था, कि सबको ना पायल की आवाज़ आती है, और वो आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि श्वेता के रूम से आ रही होती है। वेल वहाँ पे सब जाके देखते हैं कि इतनी जोर की पायल कौन चल रहा है और इतनी ज़ोर से कैसे आवाज़ आ रही है। जैसे ही सब देखते हैं इस बार सबको वो आया कि शैडो भी नहीं बोलोगे, पूरी आया दिख गई थी पूरी मतलब, और वो उसी रूप में थी, वही जला हुआ सा चेहरा, वही आंखें वैसी एकदम सफ़ेद बाल। सब देख के हैरान, सब एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, सब देख रहे हैं, और वो चली जा रही आया इस साइड फिर घूम के इस साइड, वो कुछ नहीं कर रही ना इन्हें देख रही है ना इनके पास आ रही, बस वो एक ऐसा लग रहा है जैसे वो पहरा दे रही है उस रूम का। वेल सबको बड़ा अजीब लगता है, सब उसी टाइम वहाँ से मतलब बाहर आ जाते हैं। सब बाहर आने के बाद वहाँ पे वो फिर डिसाइड करते हैं अब वो घर के अंदर नहीं जाएंगे, पूरी फैमिली बाहर है, बट उनके जो अगल बगल में रहते थे वो भी सारे रिलेटिव्स ही थे, तो वो उन सबको भी उठाते हैं कि उठो उठो भाई ऐसा ऐसा चल रहा है हमारे घर में, सबको पता है कि इस घर में आया का भूत ऐसे घूम रहा है। वेल गाँव एक छोटा सा ही होता है आप सबको पता है, तो रात को जब सब उठे तो पंडित जी भी उठ गए थे, तो पंडित जी जब आते तो वो बोलते हैं क्या हो गया, तो ये सब बोलते हैं पंडित जी वो तो नहीं गई अभी भी, वो तो अंदर है और अब तो और डेंजरस है, सबको दिख रही है वो, जो कि कल तक सिर्फ श्वेता को दिख रही थी वो आज हम सबको दिख रही है। पंडित जी को समझ नहीं आता ये कैसे हुआ। पंडित जी बोलते देखो अभी तो रात है तो अभी हम कुछ नहीं करते, कल सुबह हम इसका समाधान करेंगे, तो अभी ऐसा करो आप सब अपने रिलेटिव्स के घर में चले जाओ, इस घर में मत जाना आज। सब ऐसे ही करते हैं, सब अपने रिलेटिव्स के घर में चले जाते हैं, और उस रात को कोई नहीं सोता, ना रिलेटिव्स सोते हैं ना ये सब सोते हैं। अगली सुबह होती है, सब पंडित जी के पीछे पीछे आ रहे हैं, पंडित जी फिर उस घर में जाते हैं, घर में जाके वो पूरा ऐसा फेरा फिर से मारते हैं, वापस बाहर आते हैं और वापस उस नींबू के जो पेड़ होता है उसके पूरा फेरा मारते हैं। फेरा मारते पंडित जी श्वेता से पूछते हैं बेटा तुमने सारी चीज़ें रख दी थी ना,
जो भी आया की थी। श्वेता बोलती, हाँ आया की जितनी भी चीज़ थी मैंने सारी उस थाली में रख दी थी। पंडित जी बोलते, मतलब तुम कुछ भूली तो नहीं, एक बार फिर से याद करो। श्वेता बोलती, नहीं पंडित जी मैंने सारी चीज़ें रख दी थी। पंडित जी बोलते, बड़ी अजीब बात है, क्योंकि अभी भी ये कुछ चीज़ है तुम्हारे पास जो कि आया को चाहिए। श्वेता को समझ नहीं आता कि मेरे पास अब क्या है आया का, मैंने तो सब कुछ दे दिया। पंडित जी बोलते हैं कि और जो वो चीज़ है तुम्हारे पास आया की, जो आया को चाहिए तुमसे, वो उसे लेकर ही रहेगी, जब तक वो नहीं लेगी उसे शांति नहीं मिलेगी। अब श्वेता बड़ी कन्फ्यूज़ है, क्योंकि हर चीज़ तो उसने रख दी थी। वो फिर से याद करने की कोशिश करती है कि ऐसी क्या चीज़ है मेरे पास जो आया को चाहिए। अभी याद ही कर रही है कि नेहा रोने लग जाती है। वेल, नेहा रोने लगती है तो श्वेता उसे उठाती है आराम से कि बेटा कुछ नहीं होता, बेटा रो मत। अभी ऐसे सहला रही है नेहा को कि एकदम से श्वेता को याद आता है कि जो आया थी वो भी प्रेग्नेंट थी, और करीबन करीबन इन दोनों की डिलीवरी साथ ही होने वाली थी। जैसे ये याद आता है श्वेता समझ जाती है कि आया को जो चाहिए वो कोई सिंदूर साड़ी ये सब नहीं है, वो नेहा है। पहले जैसे ये पता चलता है श्वेता मतलब फ्रीज हो चुकी है, सब उसे बोल रहे क्या हुआ तू, क्यों क्या हुआ तेरे, एकदम हाव भाव कैसे चेंज हो गए। और श्वेता रोने लग गई। जैसे रोने लगती है पंडित जी आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ। श्वेता बताती है कि शायद आया को मेरी बेटी चाहिए, उसको नेहा चाहिए। जब ये सब सुनते हैं पूरा फैमिली उस टाइम मतलब डिस्टर्ब हो चुकी है कि छोटी सी बच्ची क्यों चाहिए उसे और कैसे हम इसे बचाएं, कुछ नहीं पता। पंडित जी उसी टाइम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अब हमें फिर से एक हवन करना पड़ेगा, बट ये वाला बहुत बड़ा हवन होगा, क्योंकि जो कल की रात है वो अमावस्या की रात होती है, और कहा जाता है अमावस्या की रात को इन सब की स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। तो पंडित जी बताते हैं कि ये अपनी पूरी कोशिश करेगी तुम्हारी बच्ची ले जाने की, उसको कभी भी अकेला मत छोड़ना, एक सेकंड के लिए भी वो अकेली नहीं होनी चाहिए। पूरी फैमिली इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है कि हाँ हम बिल्कुल इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। और पंडित जी बताते हैं कि मैं कल जब हवन करूँगा आधे लोग उस हवन में होंगे और आधे लोग इस बच्ची की मतलब बच्चे के साथ होंगे, और ये बच्ची बिल्कुल भी अकेली नहीं होनी चाहिए। वेल, अगला दिन आता है, सब हवन करने बैठ चुके हैं, और जो नेहा है नेहा आराम से सो रही है बेड पे। नेहा के साथ नेहा की मम्मी श्वेता वहाँ पर है, और श्वेता की जो बहन होती है वो भी वहीं पर है। अब ये सब नेहा का मतलब देखभाल कर रहे हैं, और बाकी सब वहाँ पर हवन के पास बैठे हुए हैं। 3-4 घंटे का हवन होता है, काफ़ी लंबा चलता है हवन। हवन जब चल रहा है तो श्वेता की जो बहन होती है वो बोलती है कि दी मैं वॉशरूम यूज़ करके आती हूँ, आप नेहा के साथ ही रहो और मैं बस 5 मिनट में आ जाती हूँ। तो श्वेता बोलती ठीक है जाओ। तो जो श्वेता की बहन होती है वो जाती है। अभी गए हुए उसे करीबन 2 या 3 मिनट होंगे कि श्वेता को बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसकी बहन की होती है। उसकी बहन चिल्ला रही है कि बचाओ दी बचाओ, ये मुझे अपने साथ ले जाएगी दी, मुझे बचाओ दी दी जल्दी आओ, ऐसा जैसे बोलती है। श्वेता भागते हुए जाती है और वो चिल्लाने लग जाती है कि कहाँ हो ऐसे करके। वेल, वो भागते भागते जैसे वॉशरूम के पास पहुँचती है, वो दिखती है तो उसकी बहन तो वॉशरूम से नॉर्मली आ रही होती है और बोलती है दी आप यहाँ कैसे। जैसे ही श्वेता अपनी बहन को सामने देखती है वो समझ जाती है कि ये एक छलावा था, ये एक ट्रैप था, और ये दोनों यहाँ पे फंस चुके हैं। ये दोनों भागते हुए जाते हैं नेहा के रूम में, और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं ये देखते हैं कि नेहा वहाँ पर नहीं होती, नेहा बेड में नहीं होती। जैसे ही होता है चिल्लाने लग जाती है श्वेता कि मेरी बेटी चली गई, वो ले गई मेरी बेटी को, मेरी बेटी कहाँ पर है, मुझे मेरी बेटी ला कर दो। जैसे ही ये चिल्लाती है पूरी फैमिली भागते हुए ऊपर पहुँचती है, सब देखते हैं तो नेहा वहाँ नहीं है। वेल, जैसे ही ये पंडित जी को पता चलता है, पंडित जी बोलते हैं मैंने कहा था तुम्हें कुछ भी हो जाए नेहा को अकेले नहीं छोड़ना, और अब जब वो तुम्हारी बेटी ले जा चुकी है भवन का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे पंडित जी ये बोलते हैं सबकी मानो सांस थम सी गई है, सब हार मान चुके हैं कि सबको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी हो जाएगा, अब हमारी बेटी हमें नहीं मिलेगी, नेहा को वो ले गई और वो कहीं नहीं मिलेगी। हर जगह सबने ढूंढने की ट्राई करी, पूरे घर में जो रिलेटिव्स थे जो घर के साइड में रहते थे उन्होंने पूरा गाँव छान मार दिया, नेहा कहीं नहीं मिली। जब सब ने हार मान ली, सब एक जगह बैठे थे, तब श्वेता उठती है। श्वेता बहुत रो रही है और रोते रोते वो जाती है उस नींबू के पेड़ के पास। जैसे वो नींबू के पेड़ के पास जाती है वहाँ वो बैठ जाती है, हाथ जोड़ती है और रोते रोते बोलती है कि मैं तुझे अपनी बहन मानती थी, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, वो मेरी बेटी है।
तू उसे क्यों लेके जा रही है, मैंने हमेशा तुझे अपना माना, मैंने हमेशा तेरी मदद करी, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। और ये बोलते बोलते वो बहुत रो रही है, सामने से कुछ नहीं आ रहा, सामने से सिर्फ एक साइलेंस है। कुछ टाइम बाद हर जगह साइलेंस हो जाता है, श्वेता अब चुप हो चुकी है, सब घर वाले चुप हो चुके हैं। वहाँ पर इतना ज़्यादा साइलेंस हो चुका है कि अगर दूर से कोई चिल्लाए तो सबको सुनाई देगा कोई कुछ नहीं कह रहा था, और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद दूर से आवाज़ आती है, जो उनके रिलेटिव्स होते हैं श्वेता के, वो चिल्लाते हैं कि नेहा मिल गई, नेहा मिल गई, हमें नेहा मिल गई। और ये बोलते बोलते वो नेहा को ऐसे गोदी में उठा के आ रहे हैं। जैसे ही सुनते हैं घर वाले सारे भाग के बाहर आते हैं, श्वेता भाग के उधर पहुँचती है, और फिर वो रिलेटिव्स बताते हैं कि वो जो नेहा थी वो हमें वो नाली के पास मिली है, और अब उसे उठा के लेकर आ रहे हैं सब। सब श्वेता ने नेहा को लिया, उसने पकड़ लिया ज़ोर से, गले लगाया नेहा को, सब नेहा को बहुत केयर से रखते हैं, सब उसके प्यार कर रहे हैं, और सब बहुत खुश है कि फाइनली हमारी बेटी हमें मिल गई। वेल, इसी खुशी के बीच पंडित जी आते हैं और वो श्वेता को बताते हैं कि अब जो आया है उनकी पूरी मतलब ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, अब उन्हें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। जैसे ही होता है, पंडित जी एक और चीज़ बताते हैं कि अब हम थोड़ी सी पूजा करेंगे और जो नेहा के हाथ से हमें वो पेड़ काटना होगा, नींबू का पेड़। ऐसे ही करते हैं, थोड़ी सी पूजा करने के बाद नेहा तो छोटी होती है तो उसके हाथ में सिर्फ मतलब टच करवाते हैं ऐसे कुल्हाड़ी, और वो पेड़ को ऐसे लगाती है। अब पूरी श्वेता की फैमिली ऐसे पीछे खड़ी है और वहाँ पे पेड़ को काटा जा रहा है, और जैसे ही वहाँ से पेड़ कटता है, पंडित जी बोलते हैं कि अब से तुम्हें कोई आया परेशान नहीं करेगी, कोई भूत परेशान नहीं करेगा, और अब आया को मुक्ति मिल चुकी है। वेल, जैसे ही पेड़ कटता है, श्वेता को दूर एक परछाई दिखती है जो कि आया की होती है, और वो बस ऐसे मतलब अब उसे एकदम आया एकदम बिल्कुल बिगड़ी हुई नहीं है, बिल्कुल ऐसे डेंजरस नहीं दिख रही, वो नॉर्मल जैसे पहले दिखती थी आया मरने से पहले, बिल्कुल वैसी दिख रही होती है। और थोड़ी ही देर में वो दिखना बंद हो जाती है। कहीं ना कहीं श्वेता को भी अंदर से पता चल गया है कि अब आया खुश है, वो मुक्ति मिल चुकी है उसे, और अब वो हमें परेशान नहीं करेगी। वेल, जैसे ही ये सब चीज़ें ख़त्म होती है, रात होती है, सब वापस सो रहे हैं। नेहा बगल में सो रही है, इस बार जो नेहा की बड़ी बहन होती है वो भी सो रही है, श्वेता भी सो रही है। तो श्वेता को वापस सपना आता है, सपने में आया आती है, और आया उसे बोलते हैं कि दीदी मैं आपको कभी परेशान नहीं करना चाहती थी, मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रही थी, शायद मेरे अंदर रिवेंज की और मेरे अंदर गुस्से की जलन की इतनी भावना हो चुकी थी कि मरने के बाद मुझे नहीं पता मैं क्यों ये सब कर रही थी, बट अब से मतलब मैं बहुत खुश हूँ और मुझे मुक्ति मिल रही है, और मैं आज से आपकी बेटी नेहा की प्रोटेक्शन करूँगी। ये वादा करके वो मतलब सपना एकदम टूट जाता है और वो उठ जाती है। जैसे ही श्वेता उठती है उसे बड़ा रिलैक्स्ड फील होता है और वो काफ़ी खुश है अपनी बेटी के लिए भी और अपनी दोस्त के लिए भी। और तब से लेके आज तक श्वेता को ऐसा कुछ सामना नहीं करना पड़ा, कुछ भूत नहीं आया, कुछ आया नहीं आया, कुछ भी नहीं, बिल्कुल अच्छा चल रहा है तब से लेकर अब तक सब कुछ। और अब तो नेहा भी बड़ी हो चुकी है, तो नेहा को ये जो पूरी स्टोरी थी वो सुनाई थी श्वेता ने, और नेहा ने ये जो पूरी स्टोरी है वो सुनाई थी राजलक्ष्मी को, और अब राजलक्ष्मी ये पूरी स्टोरी हम सबको सुना रही है। और आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है जो आपको आपके दोस्त ने सुनाई हो या फिर आपके साथ हुई हो, तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, वो आप मेरी पूरी ऑडियंस से शेयर कर सकते हैं। तो जीमेल आपको दिख ही रहा है, आप यहाँ पर आकर मुझसे शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करना ज़रूर कर देना, मतलब हम 100K बहुत क्लोज है, तो प्लीज़ अगर यहाँ तक आप देख रहे हो तो आई नो कि आपको स्टोरी अच्छी लगी है ना, नहीं तो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, और अब यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।